देख रहे हो विनोद, अपना टाटानगर रेलवे स्टेशन को कितना बेहतरीन सजाया गया है। आज है 15 तारीख और हर जगह आपको मोदी जी का पोस्टर दिख रहा होगा, क्योंकि आज ही के दिन मोदी जी आने वाले हैं 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के लिए। एक वंदे भारत एक्सप्रेस टाटा से पटना के बीच में चलेगी और एक वंदे भारत एक्सप्रेस टाटा से ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन के बीच में चलेगी। बागबेड़ा, बिष्टुपुर, सोनारी, आपको हर जगह स्टेशन के पास में मोदी जी का पोस्टर दिख रहा होगा। साक्षी, मानगो, सोनारी एरिया में भी लगाया गया है मोदी जी का पोस्टर। और हाँ, टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर में पूरा साफ सफाई कर दिया गया है, फूल और लगा दिया गया, पूरा डेंटिंग पेंटिंग हो गया है। जो नली पिछले 20 साल से साफ नहीं हुआ, उस नली को भी इन्होंने साफ कर दिया और पूरा टाटानगर रेलवे स्टेशन को डेकोरेशन कर दिया। आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये टाटानगर रेलवे स्टेशन है। टाटानगर रेलवे स्टेशन पे करेंटली एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हॉल्ट करती है, जो कि हावड़ा टाटा रांची रूट में चलती है। देख रहे हो ना विनोद, पूरा काम चल रहा है, साफ सफाई भी हो रहा है। आ रहे हो कि नहीं, आज है 15 तारीख, आज ही आने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और आज ही 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी और बाकी 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को वीडियो कॉलिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई जाएगी। सब लोगों को बैठने के लिए यहाँ पर कुर्सी उर्सी लगा दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हो। सोच यहाँ पे और देख रहे हो, पूरा तैयारी चल रहा टाटानगर रेलवे स्टेशन पर। सब जगह पेंटिंग का काम हो चुका है, अब यहाँ पे डेकोरेशन करना बाकी है, जो कि थोड़ी देर में काम कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत सारा फूल का गमला लाया गया, वो भी लगाया जाएगा। चलो विनोद, मैं तो तैयार होने जा रहा हूँ, मुझे टाटानगर रेलवे स्टेशन पे जाना है। आप सब आ रहे हो कि नहीं कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।